गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में न्यू सेशन की एडमिशन बस शुरू होने वाली हैं कुछ दिनों में। और आप बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो वो कोर्सेज़ हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc डाइटिटिक्स एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एग्री स्टोरेज एंड सप्लाई चैन, MSc स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, BTech टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, MSc 5 ईयर प्रोग्राम फैशन डिज़ाइनिंग, MSc फैशन डिज़ाइनिंग 2 ईयर्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सीट्स, MSc बॉटनी 2 ईयर्स, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc 5 ईयर प्रोग्राम बॉटनी, MSc 5 ईयर प्रोग्राम केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री 2 ईयर्स, MSc अप्लाइड केमिस्ट्री 2 ईयर्स, MCA 2 ईयर्स, MCA 5 ईयर प्रोग्राम, MSc 5 ईयर प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस, MSc स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस 2 ईयर्स, BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 ईयर्स, BEd स्पेशल एजुकेशन, BSc अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, MA एजुकेशन, MEd, MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, MA इंग्लिश, MSc फूड टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, MSc 5 ईयर प्रोग्राम फूड टेक्नोलॉजी, MA रिलीजियस स्टडीज़, MA फिलोसफी, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MSc ह्यूमन जेनेटिक्स 2 ईयर प्रोग्राम, MSc 5 ईयर प्रोग्राम ह्यूमन जेनेटिक्स, बैचलर ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, LLM 1 ईयर, MA 5 ईयर प्रोग्राम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 ईयर्स, MSc मैथमेटिक्स 2 ईयर्स, MSc 5 ईयर प्रोग्राम मैथमेटिक्स, MSc माइक्रोबायोलॉजी 2 ईयर्स, MSc 5 ईयर प्रोग्राम माइक्रोबायोलॉजी, MSc मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MPA म्यूज़िक वोकल, MPA म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, MPT स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी 2 ईयर्स, MSc एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिलोसफी 2 ईयर्स, MSc स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स 2 ईयर्स, MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर, B फार्मेसी 4 ईयर्स, M फार्मेसी 2 ईयर्स, BPES PG डिप्लोमा इन योगा 1 ईयर, BPEd, MPEd, MSc फिजिक्स 2 ईयर्स, MSc 5 ईयर प्रोग्राम फिजिक्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी 5 ईयर प्रोग्राम अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्बन प्लानिंग 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग 2 ईयर्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, MA पॉलिटिकल साइंस 2 ईयर्स, MA पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस 2 ईयर्स, MA साइकोलॉजी 2 ईयर्स, एडवांस डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, MSc इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्रोग्राम, MSc इकोनॉमिक्स 2 ईयर्स, MA बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 ईयर्स, MA 5 ईयर प्रोग्राम पंजाबी, MA पंजाबी 2 ईयर्स, MA संस्कृत 2 ईयर्स, BA सोशल साइंस 4 ईयर्स, MA इंटरनेशनल रिलेशन 2 ईयर्स, MA सोशियोलॉजी 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 2 ईयर्स, MA पर्शियन 2 ईयर्स, MBA 2 ईयर्स, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 ईयर्स, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 ईयर्स, MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 ईयर्स, MBA 5 ईयर प्रोग्राम, MCOM 2 ईयर्स, MBA फाइनेंस 2 ईयर्स, MBA 5 ईयर प्रोग्राम फाइनेंस, MCOM 5 ईयर प्रोग्राम, MSc जूलॉजी 2 ईयर्स, MSc जूलॉजी 5 ईयर प्रोग्राम। तो इन सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी में, और बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी एडमिशन थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, JEE मेंस, NATA स्कोर, GATB, NCERT, मेरिट ऑफ स्टेट लेवल एडमिशन के बेसिस पर होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जैसे BTech, MTech, BA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से कोर्सेज़ में नहीं होता। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।